हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स न्यूज एंड अपडेट वीडियो सीरीज में, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स व किंग्स इलेवन पंजाब की टीमों के ट्रेनिंग कैंप्स के बारे में, क्रिस गेल के कोरोना टेस्ट के बारे में, जेम्स एंडरसन के नए टेस्ट रिकॉर्ड के बारे में। वहीं साथ पर हम बात करने वाले हैं आईपीएल में बीसीसीआई के डोपिंग टेस्ट प्लान के बारे में, और आखिर में बात करेंगे मास्टर ब्लास्टर की दरिया दिली के बारे में। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की पहली अपडेट निकल कर आ रही है किंग्स इलेवन पंजाब व राजस्थान रॉयल्स की टीम के हवाले से। खबर यह है कि इन दोनों टीम के सभी खिलाड़ियों व सपोर्ट स्टाफ की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है और 6 दिन का क्वारंटाइन पीरियड भी पूरा कर लिया है, और अब इन दोनों टीमों के खिलाड़ी बुधवार शाम से प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। गौरतलब है कि किंग्स इलेवन पंजाब व राजस्थान रॉयल्स की टीमें बीते गुरुवार को यूएई पहुंची थी। राजस्थान टीम से जुड़े एक ऑफिशियल न्यूज एजेंसी ने बताया कि आईपीएल के लिए यूएई पहुंची सभी खिलाड़ियों के तीनों कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। बीसीसीआई के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक यूएई पहुंचने पर खिलाड़ी को पहले तीसरे और छठे दिन कोरोना टेस्ट होना था। ये तीनों रिपोर्ट्स नेगेटिव आने के बाद ही राजस्थान व पंजाब की टीमों ने ट्रेनिंग शुरू करने का फैसला किया है। हमारी दूसरी अपडेट की तरफ तो वो निकल कर आ रही है क्रिस गेल के फैंस के लिए। गौरतलब है कि गेल 21 अगस्त को दुनिया के सबसे तेज धावक यूसेन बोल्ट की 34वीं बर्थडे पार्टी में शामिल हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जमैका के पार्टी के बोल्ट का टेस्ट पॉजिटिव आया था, जबकि खुद धावक ने इस बात को नकार दिया है। तो ऐसे में क्रिस गेल पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन अब क्रिस गेल की रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई है और वह अब आईपीएल 2020 का हिस्सा बन सकते हैं। क्रिस गेल इस साल किंग्स इलेवन पंजाब से खेलते हुए नजर आएंगे, और न्यूज एजेंसियों के मुताबिक क्रिस गेल जल्दी ही यूएई के लिए रवाना होने वाले हैं। हमारी अगली अपडेट में हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड टीम के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन की। हमारे दर्शकों को हम बता दें कि जेम्स एंडरसन दुनिया के पहले ऐसे तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने नाम 600 विकेट किए हैं। इससे पहले अब तक ये कारनामा 3 गेंदबाज कर चुके हैं, लेकिन एंडरसन इकलौते ऐसे बॉलर हैं जो तेज गेंदबाज हैं। दरअसल इससे पहले ये कारनामा स्पिन गेंदबाजों ने किया था, जिनमें से पहले नंबर श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन हैं, जिनके नाम 800 टेस्ट विकेट हैं। वहीं दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न हैं, जिन्होंने 708 टेस्ट विकेट लिए हैं, और भारत के अनिल कुंबले 619 टेस्ट विकेटों के साथ इस सूची में तीसरे नंबर पर हैं। ओवरऑल अब एंडरसन 600 विकेट के साथ चौथे नंबर पर है। फ्रेंड्स, हमारी अगली खबर बीसीसीआई के हवाले से आ रही है। खबर यह है कि बीसीसीआई ने आईपीएल में डोपिंग को रोकने का प्लान बनाया है। दरअसल बीसीसीआई ने आईपीएल में डोपिंग को रोकने के लिए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा के साथ मिलकर प्लान तैयार किया है। इसके तहत नाडा यूएई के 3 वेन्यू शारजा, अबू धाबी, दुबई में डोप कंट्रोल सेंटर बनाए, जबकि 2 कंट्रोल स्टेशन दुबई स्थित आईसीसी क्रिकेट अकेडमी और अन्य ट्रेनिंग सेंटर पर लगाए जाएंगे। टूर्नामेंट के दौरान टॉप क्रिकेटर्स के 50 सैंपल लिए जाएंगे, जिसकी जांच दोहा स्थित वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी लैब में होगी। दोस्तों, हमारी आज की आखिरी अपडेट में हम बात करने वाले हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की। जी हाँ दोस्तों, आखिर सचिन को यूं ही क्रिकेट का भगवान नहीं कहा जाता। दरअसल बल्ला बनाने वाले अशरफ चौधरी पिछले 12 दिनों से डायबिटीज और निमोनिया संबंधित बीमारियों के चलते अस्पताल में भर्ती है। वह क्रिकेट की दुनिया में अशरफ चाचा के नाम से जाने जाते हैं। अशरफ चाचा ने तेंदुलकर, विराट कोहली सहित कई नामी क्रिकेटर्स के बल्ले ठीक किए हैं, लेकिन कोविड-19 के महामारी के कारण उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और उनके स्वास्थ्य और व्यवसाय दोनों में ही गिरावट आई है। उनकी दक्षिण मुंबई में एम अशरफ ग्रो के नाम से दुकान भी है, जहां उन्होंने कई नामी क्रिकेटरों के बल्ले ठीक किए। वहीं लंबे समय से अशरफ चाचा अस्पताल में भर्ती हैं, जिनकी आर्थिक मदद करने के लिए खुद मास्टर ब्लास्टर आगे आए। दोस्तों, सचिन की इस दरिया दिली के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर बनता है। साथ ही में आप क्रिकेट और स्पोर्ट्स की नई न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार।